दोस्तों, क्या आपका भी सेटअप बॉक्स डेड हो गया और रिपेयरिंग करा को पसंद नहीं जाता? नमस्कार दोस्तों, मास्टर में आर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं बताऊंगा एक मेरे पास ये मिलबॉर्न का सेटअप बॉक्स का कार्ड आया हुए हैं और इसका जो 5 वोल्ट का रिग्वेटर आईसी था उड़ गया था, ये देख सकते हैं। मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद दोस्तों इसमें दिक्कत अभी वही बना हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा ओके आ रहा है, देख सकते हो 5 वोल्ट तो बनना स्टार्ट हो गया। बाकी यहाँ पर 3.3, 1.80 और डॉट वाला पॉइंट पे और यहाँ पर कहीं पर कोई सप्लाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों इसका रिलेटेड भी मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। इसके पहले आपको ट्रैक खोजना है। ये सबसे पहले आपको ट्रैक खोजने से पहले जब इसमें कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, इसका पावर ऑफ कर देना कार्ड का, ठीक है? और दोस्तों जिसकी भाई को डेड सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग कराना, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हमारे साथ मैसेज और कॉन्टैक्ट करके अपना डेड सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करवा सकते। सबसे पहले आपको शॉर्टिंग पकड़ लेना है कि कहीं शॉर्टिंग थोड़े है कहीं पर, ठीक है? ये देखो नहीं शॉर्टिंग, ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट भी शॉर्टिंग नहीं है और कहीं पर शॉर्टिंग जैसे नजर आए। 5 वोल्ट तो शॉर्टिंग रहेगा ही नहीं क्योंकि 5 वोल्ट हो ही रहा है। और कहीं पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर ऑफ है कार्ड और यहाँ से यहाँ गए, यहाँ सीधा और डॉट वाला पॉइंट नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों शॉर्टिंग कहीं पास नहीं है, इसका दिक्कत है दोस्तों ट्रैक का। आपको ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, फिर से इसको 20 में ले जाना है और एक सिरा को आपको ग्राउंड कर लेना है, ठीक है? एक सिरा ग्राउंड ही रहेगा। इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको ग्राउंड नहीं करोगे तो आपको ग्राउंड पता कैसे चलेगा। एक सिरा मैंने ग्राउंड कर लिया, मैंने कार्ड का पावर ऑन कर लिया और यहाँ पर मैं 5 वोल्ट चेक करता हूँ पहले, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करना है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है। तो इसका ट्रैक देखो, ट्रैक यहाँ आया है, ठीक है? यहाँ से अंदर घुस के ये गया है यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रैक, फर्स्ट ट्रैक। यहाँ पर मैं हल्का सा प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। ये देखो 5 वोल्ट मिला, ये ट्रैक है। ये ट्रैक यहाँ से जाकर यहाँ पर आया, देखो आपको वीडियो में सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं इस साइड लाता हूँ कार्ड, ठीक है? अब देखो ट्रैक ट्रैक ये ट्रैक गया, देखो ये ट्रैक यहाँ से ये डायोड की मदद से इस पार हुआ। बाकी हमारा इस पार सप्लाई ओके आ रहा है, ये देख सकते हो, और इस पार सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो सप्लाई ड्राप है और सप्लाई ड्राप के बाद मेन दिक्कत आ रहा है। यहाँ पर सप्लाई ड्राप है और ड्राप के साथ इसमें दिक्कत ये है कि ये वाला जो यूएसबी पॉइंट है वो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है? एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बस मैं बताना भूल गया था। इसको कंटिन्यूटी में कर लेना है और यहाँ पर ये देखो ये शॉर्ट और ये शॉर्ट, ठीक है? ये पोर्ट शॉर्ट आ रहा है, ठीक है? ये पोर्ट हमारा शॉर्ट नहीं आ रहा है, बाकी ये वाला पोर्ट हमारा जो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है? जो हमारे सामने फ्रंट पैनल यूएसबी पोर्ट रहता है ये शॉर्ट आ रहा है, बाकी कहीं पर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें शॉर्टिंग आएगा तो यहाँ पास भी शॉर्टिंग आएगा, ठीक है? यहाँ पास भी शॉर्टिंग आएगा, वहाँ पास शॉर्टिंग आएगा, तो यहाँ पास भी शॉर्टिंग आएगा क्योंकि सेम है दोनों। तो यहाँ से हमें इसका कुछ पार्ट्स को समझना है और इसको शॉर्टिंग को हमें कैचअप करना है, ठीक है? इसका शॉर्टिंग को कैचअप करने बिना आपको समझ नहीं आएंगे कि इसमें क्या चीज़ का दिक्कत है। तो यहाँ से देखो कहीं पास आपको कोई कंपोनेंट जला नज़र थोड़े आ रहा है, ठीक है? नहीं जला नज़र आ रहा है तो एक बार क्या करना है, ये डायोड को आपको रिमूव करना है या इसके जगह इस डायोड को सही से एक बार सोल्डिंग में लगाना है, सही से सोल्डिंग, ठीक है? क्योंकि इस पार का थोड़ा सा प्रिंट लूज हो गया है इसमें, ये यही रहा है हल्का हल्का, ठीक। यहाँ पर मैंने इसका सोल्डिंग सही से लगा दिया, ये हिल नहीं रहा, ये लीकेज ही मार दिया पूरा कंप्लीट। तो
इसके जगह हम जो हमारा ये मार्केट में आते ये वाला डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो डायोड, ये सेम सेम डायोड है, कोई दूसरा डायोड नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम यहाँ से 5 वोल्ट, ठीक, ये लगाया मैंने 5 वोल्ट, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जम्पर, ये ठीक, ये लगा दिए। उसके बाद यहाँ से मैं इसमें दे देता हूँ फिर से पावर, ये फ्रंट पिनर लगा लेते हैं, ये फ्रंट पिनर, ये पावर। 20 ग्राम में आपको रखना है मीटर फिर से, और 20 ग्राम में रखने के बाद अब सप्लाई चेक करो कि इस बार सप्लाई दिया या नहीं। यहाँ पर देखो सप्लाई ड्रॉप कर दिया, पूरा 5 वोल्ट का भी सप्लाई ड्रॉप कर दिया, मतलब ये शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट आ रहा है। और शॉर्ट आने का वजह आपको बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल कॉमन है दोस्तों, आप घर बैठे काम कर सकते। इस शॉर्ट होने का वजह है यहाँ पर से वन, यहाँ पर जो 5 टाइप का रेगुलेटर आईसी लगा है ना, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, देखना मैं आपको दिखाता हूँ, ये शॉर्ट है, इस कारण से वोल्ट पूरा शॉर्ट आ रहा है। इसको देखो मैं निकालूंगा और जो हमारा शॉर्टिंग है वो हट जाएंगे। ये बहुत ऐसे ऐसे बात है जो बहुत भाई साहब नहीं समझ पाते और काम करने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। बाकी कुछ कुछ काम को आपको ध्यान देना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो मैंने निकाल दिया, ठीक, निकाला। उसके बाद मैं यहाँ से इसमें फिर से पावर दे देता हूँ, ठीक, मैंने दे दिया पावर। अब यहाँ पर मैं देखो 5 वोल्ट चेक करता हूँ, यहाँ पर देखो 5 वोल्ट बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आएगा 5, ये देखो 5। और यहाँ पर अब मैं फिर से इसको ऑफ करता हूँ और कंटिन्यूटी में ले आता हूँ, और ये बजर मोड, और यहाँ पर देखो कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो हमारा मेन दिक्कत था ये आई सी उड़ गया था, और ये उसके लोड के कारण ये ड्राप कर रहा था। ये वाले से हमें पता चला कि इसने पावर ज़्यादा थी, इसने सप्लाई दिया थी, इस साइड हमें पता चला। और इसके जगह अब हम इसमें लगा सकते हैं इसका जो सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 टांग का रेगुलेटर इसे उठा लेते हैं, ठीक है, 5 टांग का ही लगेंगे, 5 टांग का हमने रेगुलेटर आईसी उठा लिया। अब लगाते हैं रेगुलेटर आईसी इसमें और देखते हैं। और रेगुलेटर आईसी लगाते समय अपना जो काट का है वो पावर ऑफ ही रखे ना, ऑन ना रखे, ठीक। जब भी रेगुलेटर आईसी लगाए तो अपना पावर ऑफ रखें, ऑन ना रखें। ऑन रखोगे तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो पावर ऑफ रखें, बिना पावर ऑफ के कोई काम ना करे। यहाँ पर इसको लगाना है, और रेगुलेटर आईसी नहीं आपके पास ये वाला, तो इसको कौन सा यहाँ पर क्या चीज़ लगाना है इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, जाकर देख सकते हो। हर चीज़ का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसका आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा पेट्रोल का मदद लो ठंडा करने के लिए, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये लगाए हमने पावर, और ये इसको कह 20 में, एक ये पावर ऑन, ठीक है, 20 के रैम में सेट करना है। मीटर थोड़ा इस सेट कर लेता हूँ, ये देखो ये यहाँ से धुआं दे रहा है, मतलब अभी भी ये वाला जो देखो हमने नया भी लगाया ये भी शॉर्ट निकला, जो नया भी लगाया वो भी देखो शॉर्ट निकला है, ठीक है। नया देखो ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि नया ख़राब नहीं होगा कि पुराना ख़राब नहीं होगा, नया भी ख़राब निकल जाता है। तो एक बार हम क्या करते, ये हमारे पास इस काट के हम डायरेक्टली निकाल के लगाते हैं, ये जो हमारा इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। और एक बार इसमें आप जब भी आईसी लगाओ तो एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लो कि इसमें कुछ दिक्कत थोड़े कंटिन्यूटी में, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह रिपेयर का आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, जो को आपको यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताएगा। मैं चालू टेस्टेड कार्ड का ये रेगुलेटर आईसी निकाल रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या ये चालू रेगुलेटर आईसी मैंने निकाल लिया, बिल्कुल ओके है, और अच्छी सी इसको लगा लेना है, ठीक, बढ़िया से, ठीक। उसके बाद आपको ये लग चुका है, हल्की पेट्रोल की मात्रा देना उसमें, क्योंकि ठंडा बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसको पावर दे देते हैं, ठीक है। अब पावर देने के बाद यहाँ पर आप सप्लाई चेक करो कि सप्लाई ड्राप हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर सप्लाई इस बार ड्राप नहीं हुआ, 1.1 वोल्ट देखते हैं कि बनना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ,
तो यहाँ पर 1.10 वोल्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारा कार्ड ऑन हो चुका है। इसमें सॉफ्टवेयर सही होगा तो हमारा कार्ड ऑन होगा, और सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा तो इस कार्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो कार्ड में कुछ सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, बाकी इतना पावर आने के बाद आपका कार्ड 100% ऑन हो जाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर के दिक्कत होंगे, सॉफ्टवेयर इसमें नहीं होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।